हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। आज आपको हेडिंग देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे गाइस वेला प्लेक्स, जो कि है वेला वालों का एक प्रोडक्ट, जो हम ड्राई हेयर, फ्रिजी हेयर, कलर केमिकल ट्रीटेड हेयर में यूज़ कर सकते हैं। गाइस, ये वेला प्लेक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। वेला प्लेक्स एक बॉन्ड स्टेबलाइजर है जो बॉन्ड को प्रोटेक्ट करता है। आप इसको किस किस में और कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए मैं आपको इसकी पूरी थ्योरी बताता हूँ। गाइस, वेला प्लेक्स एक किट है जिसमें हमें दो बोतल मिलती है। पहली बोतल होती है हमारी नंबर वन, दूसरी बोतल होती है हमारी नंबर टू, जैसे कि आप साइट में स्क्रीन में देख रहे हैं। आप इसको कलर के साथ कैसे करें और ब्लोंडर के साथ कैसे यूज़ करें और स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग की क्रीम के साथ कैसे यूज़ करें, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले बात कर लेते हैं हम गाइस, इसको हम कलर के साथ कैसे मिक्स कर सकते हैं। इसको यूज़ हम कलर में ही मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं गाइस। जैसे कि आप कोई कलर कर रहे हैं, जैसे कि 7.3 8.3 फैशन शेड, और आपको लगता है कि कलर करने पर आपके बाल ड्राई हो सकते हैं, तो आप इसको कलर में भी मिक्स कर सकते हैं। और उसकी कलर के साथ मिक्सिंग रेशियो मैं आपको बताता हूँ। इसका मिक्सिंग रेशियो है गाइस 15:1 कलर के साथ। अगर आप 15 ग्राम कलर ले रहे हैं तो आप 1 ml नंबर वन वाला प्रोडक्ट लेंगे, 1 ml नंबर वन वाला प्रोडक्ट लेंगे। अगर आप 30 ग्राम ले रहे हैं कलर तो आप 2 ml नंबर वन वाला प्रोडक्ट लेंगे। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा। गाइस, आप अगर पूरी कलर ट्यूब लेते हैं 60 ग्राम की, तो आपको ये 4 ml डालना पड़ेगा नंबर वन वाला प्रोडक्ट। याद रखिए गाइस, ये जो हम 1 ml 2 ml 4 ml डाल रहे हैं, इसका मिक्सिंग रेशियो कलर ट्यूब से है, नॉट डवेलपर से। डवेलपर से नहीं है गाइस, वॉल्यूम से बिल्कुल भी नहीं है। हम देखेंगे अगर 15 ग्राम कलर है तो 1 ml लेंगे, अगर कलर ट्यूब हम पूरी 60 ग्राम की डाल रहे हैं तो उसके साथ हम 4 ml नंबर वन वाला प्रोडक्ट डालेंगे और देन हम कलर एप्लीकेशन करेंगे। गाइस, अब बात करते हैं जब हम कलर में मिक्स करके कलर को अप्लाई कर ले तो टाइमिंग चेंज होगी या नहीं होगी। गाइस, कलर की टाइमिंग वही रहेगी, इसको मिक्स करने के बाद कोई टाइमिंग चेंज नहीं होगी। जैसे ही आपका कलर की टाइमिंग हो जाती है तो इसका जो नंबर टू प्रोडक्ट है आपको शैम्पू सेक्शन पर ही 10 मिनट तक अप्लाई करके रखना है। और ये कितना डालना है गाइस, याद रखिए इसकी मिक्सिंग रेशियो 1:2, ये मिक्सिंग रेशियो इसकी कलर ट्यूब से नहीं, इसके फर्स्ट प्रोडक्ट से ही है। जैसे आपने इसका फर्स्ट प्रोडक्ट 1 ml लिया है तो आप इसको लेंगे 2 ml। ओके गाइस, अगर आपने इसको 4 ml लिया है तो आप इसको लेंगे 8 ml। इसका डबल लेना है आपको गाइस, इसका नंबर टू जो प्रोडक्ट है नंबर वन का डबल लेना है। और 10 मिनट तक आप इसको शैम्पू सेक्शन पर लगाकर रख देंगे, देन आप इसको रिंस कर देंगे। फिर आपको जो शैम्पू एंड कंडीशनर जो करना है कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस, हम वेला प्लेक्स को ब्लोंडर के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। ब्लोंडर को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ब्लोंडर के साथ वेला प्लेक्स को, एक फॉइल के साथ और एक विथआउट फॉइल के साथ। दोनों की मिक्सिंग रेशियो गाइस अलग अलग है। जैसे कि आप फॉइल में हाइलाइटनिंग वगैरह कर रहे हो तो फॉइल के साथ इसकी मिक्सिंग रेशियो गाइस होगी 5:1। जैसे कि 5 ग्राम ब्लोंडर लिया है तो 1 ml हम इसका नंबर वन वाला प्रोडक्ट लेंगे। जैसे कि 20 ग्राम ब्लोंडर के साथ 4 ml नंबर वन वाला प्रोडक्ट हम इसमें मिक्स करेंगे, देन हम ब्लोंडर हेयर पे लगाएंगे। और फिर इसका जो नंबर टू वाला प्रोडक्ट है गाइस, जैसे कि बताया था इसका मिक्सिंग रेशियो 1:2 है। जैसे कि आपने इसका नंबर वन वाला प्रोडक्ट 4 ml लिया है तो नंबर टू आप लेंगे इसका डबल, यानी कि 8 ml। हाईलाइट को आप रिंस करने के बाद जो इसका सेकंड प्रोडक्ट है 8 ml आप 10 मिनट तक शैम्पू सेक्शन पर लगा के रख दे, देन आप रिंस कर ले। फिर उसके बाद सेम आप शैम्पू प्लस कंडीशनर गाइस कर सकते हैं।
और इसके विदाउट फॉइल की मिक्सिंग रेशियो गाइस हम जान लेते हैं 10:1। जैसे कि आप बैल्याज ओम्ब्रे करते हो विदाउट फॉइल, तो इसको मिक्सिंग हमेशा 10:1 रहेगी। अगर 10 ग्राम आपने ब्लेंडर लिया है तो आप 1 ml नंबर 1 वाला प्रोडक्ट इसका ले गए 1 ml। अगर आप 20 ग्राम ले गए तो 2 ml। गाइस विथ फॉइल के साथ इसका मिक्सिंग रेशियो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि फॉइल हमेशा बालों को डैमेज करती है, फॉइल में बालों में हीट ज़्यादा बनती है तो ड्राइनेस की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और विदाउट फॉइल में ये कम डलता है। तो देन आप इसको ब्लेंडर को रिंस करेंगे और सेम 10 मिनट तक आपको नंबर 2 वाला प्रोडक्ट इसका डबल 1:2 2 ml का डबल हो जाएगा 4 ml। 10 मिनट तक शैम्पू सेक्शन पे लगा के रख दें, देन शैम्पू प्लस कंडीशनर कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस हम वेला प्लेक्स को स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग क्रीम के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ गाइस हम इसको किसी स्मूथनिंग क्रीम या रिबॉन्डिंग में मिक्स नहीं करने वाले हैं, यह सिर्फ कलर और ब्लेंडर के साथ मिक्स होता है। यहाँ हम इसको बहुत अलग तरीके से यूज़ करेंगे, बताता हूँ गाइस मैं। स्मूथनिंग की जो फर्स्ट क्रीम होती है गाइस, उसको लगा के आपको बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। बॉन्ड ब्रेक के बाद आप रिंस आउट कर ले और वेला प्लेक्स के नंबर 1 जो प्रोडक्ट है प्लस वाटर, यह वेला प्लेक्स का नंबर 1 प्रोडक्ट वाटर के संग मिक्स होके लगेगा गाइस यहाँ पर, उसका मिक्सिंग रेशियो होगा 6:1। अगर आप 30 ml वाटर ले रहे हैं, 30 ml अगर आपने वाटर लिया है तो यहाँ आप 5 ml नंबर 1 वाला प्रोडक्ट लेंगे। अगर 6 ग्राम वाटर लिया है आपने तो ये 1 ml ले गए आप। तो गाइस आपको इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है एक स्प्रे बोतल में, स्प्रे बोतल में आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और पूरे हेयर पे आपको शावर कर देना है और 5 मिनट तक आपको ऐसे रहने देना है। याद रखिए गाइस हम ये नंबर 1 प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, 5 मिनट तक लगा के पानी के साथ पूरे बालों में शावर कर देना है, 5 मिनट तक लगा के रख देना है। देन आपको रिंस करना है अच्छे से, प्रोडक्ट को बालों में से निकाल लें और सेम प्रोसेस फिर ब्लो ड्रायर प्लस आयरन अच्छे से बालों को करें, अच्छे से आयनिंग और ब्लो ड्रायर बालों में अच्छे से कर ले। उसके बाद आप सेम जो स्मूथिंग रिबॉन्डिंग का प्रोसेस होता है, न्यूट्रलाइजर आप लगाएंगे उसके बाद जैसे सेम आप लगाते हैं इसमें गाइस, सब सेम है, बस आपको बॉन्ड ब्रेक के बाद पानी में वेला प्लेक्स मिक्स करना है स्प्रे बोतल में और 5 मिनट तक बालों में लगाना है, बाकी सब सेम है। न्यूट्रलाइजर अप्लाई करने के बाद आपको जो इसका नंबर 2 प्रोडक्ट है उसे यूज़ करना है। उसे कैसे यूज़ करना है गाइस ध्यान से देखिए, उसकी मिक्सिंग रेशियो हमेशा सेम रहेगी 1:2। जैसे कि आपने यहाँ पर 30 ml में 5 ml लिया था, नंबर 1 का मिक्सिंग क्या लिया था आपने 5 ml, तो इसका डबल हो गया 10 ml। तो नंबर 2 हम ले गए 10 ml। 10 ml लेने के बाद शैम्पू सेक्शन पे पूरे बालों पे अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे और 10 मिनट तक बालों में प्रोडक्ट लगा रहने देंगे, 10 मिनट तक बालों में अच्छे से लगा रहने देंगे। देन हम गाइस सेम रिंस करेंगे नंबर 2 के प्रोडक्ट को, उसके बाद हम अच्छे से मास्क प्लस सीरम जैसे सेम स्मूथिंग बॉन्डिंग में करते हैं और देन ब्लो ड्राई। इस तरीके से आप इसको स्मूथिंग रिबॉन्डिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 को आप वाटर के साथ मिक्स करेंगे 6
1:1 के रेशियो के साथ। 30 ग्राम वाटर है तो 5 ml पानी, 6 ग्राम वाटर है तो 1 ml नंबर वन का प्रोडक्ट, और नंबर टू की मिक्सिंग रेशियो सेम रहेगी 1:2। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ समझ नहीं आया तो गाइस कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।